नया बजट स्मार्टफोन। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, सबसे यूनिक चीज प्रीमियम डिजाइन, और ये सब कुछ आपको मिलेगा 9999 में। एक रुपए बचेगा, दिमाग की बत्ती जला दे। और अगर आपको नहीं पता, जो Realme के जो C सीरीज होते हैं, जनरली ये एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन के लिए जाने जाते हैं, तो Realme का ये न्यू फोन कैसा है, की परफॉर्मेंस कैसी है, डिजाइन कैसा है, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी है, तो जनता इसको टेस्ट करना तो यार बनता। आओ सब कुछ टेस्ट करते हैं इसके बारे में। ये अनबॉक्सिंग करते फटाफट। गई माल आ गया, आ गया, आ गया। खुल जा, नहीं खुल नहीं रहा यार। अच्छा ऐसे निकलेगा, निकल जा सिम सिम। तो इसमें कुछ कागज पत्र है, जन्म कुंडली है, ये TPU केस है, ठीक है भाई, क्वालिटी ठीक ठाक है। ओ भाई बहुत ही लंबा यंत्र है। ओहो रहा भाई असली माल। ओह माय गॉड, दिस लुक्स डिफरेंट यार। ओ ये बढ़िया, बजट में टाइप सी बढ़िया यार। और क्या है भाई, फास्ट चार्जर है। ओके इस फोन का फर्स्ट लुक देखो आप, इसका डिजाइन लुक देखने से, सच में बताऊं तो भाई देखने से ये फोन लगता नहीं कि एक 10,000 रुपए वाला स्मार्टफोन है। बैक में आपको शाइनी चैंपियन डिजाइन दे रखा है, यहाँ पर आपको हल्का सा शाइन मिल जाता है, और नीचे की साइड में यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिल जाती है। वैसे ये पॉलीकार्बोनेट, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, ये जो शाइनी वाले हैं इसमें थोड़े से आ जाते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है, फोन देखने में स्लिम है, वैसे इसकी थिकनेस भी कम है, 7.9 mm इसकी थिकनेस है। एक बजट फोन के हिसाब से इसकी जो इनहैंड फील है अच्छी, आपको अच्छा फील देता है। और एक चीज कहना पड़ेगा भाई, डिजाइन में आपको हल्की प्रीमियमनेस फील होती है। पहली बार मैं इसके डिस्प्ले को देखता हूं, इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी बड़ा लगा, सामने से देखते हो काफी चौड़ा और काफी लंबा फोन है। ये एक 6.74 इंच की एक HD प्लस 720p डिस्प्ले है, और ये की वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। दो ऑप्शन मिलते हैं, 60 हर्ट्ज और एक 90 हर्ट्ज है। मतलब डीजे राजेश है, डीजे राजेश फैंस एक लाइक तो बनता है भाई। मस्ती साइड में जो 90 हर्ट्ज पे डिस्प्ले है वो आपको एक स्मूथनेस फील देता है। एक बार यूट्यूब पे देख लेते हैं वीडियो किस पर प्ले कर सकते हैं। ये देखो यूट्यूब पे आप 1080p पे वीडियो प्ले कर सकते हो। और अगर मैं प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी को देखता हूँ, 720p डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले की जो क्लैरिटी अच्छी है, नहीं ये देखो आप खुद देखो, डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा इस फोन में। इवन इसके जो बेजल्स है, हालांकि ये वाटर ड्रॉप नॉच है, ऊपर आपको थोड़े से बेजल्स मिल जाएंगे, जो साइड बेजल्स है वो काफी मिनिमल किए गए हैं, नीचे आपको एवरेज से थोड़े से ज्यादा बेजल्स मिल जाएंगे। उसकी विंग एंगल भी अच्छा है, देखो सामने से दिखाई देता है, साइड से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो, क्लियर है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे डिस्प्ले का बहुत सही लगा, 90.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसमें आपको 516 nits की पीक ब्राइटनेस है, वो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये लोएस्ट है, ठीक है, हल्का विजिबल है। और एक बार ये बढ़ा देते 50% पे, यस क्लियर है, इंडोर 100% कर देता भाई। तो यस भाई डिस्प्ले को आप ब्राइट इनफ कह सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, ओहो नीचे की साइड गड्ढा है जिसकी हमें सख्त जरूरत है, गुड अच्छा लगा। 3.5 mm जैक है, ये माइक है, टाइप सी पोर्ट भी है, और ये स्पीकर है, सिंगल स्पीकर है। ओके एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। पक गए तेरे खजूर। स्पीकर की साउंड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। राइट साइड में ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम बटन है, और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं। और ये देखो भाई टच करते ही ओके ये अनलॉक हो जाता है, ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट है, ओहो क्या बात है, इसमें ट्रिपल स्लॉट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, इसका कैमरा। इसमें आपको तीन बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं, तो कैमरा सेटअप ऐसे कर रखा है जैसे एक महंगा प्रीमियम फोन हो। ये वाला जो कैमरा है ये 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस है, और ये फ्लैश लाइट है, और ये आगे की साइड में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ओके तो ये रही हमारी पबजी गर्ल, इनकी एक फोटो लेते हैं। ओके भाई फोटो तो अच्छी दिख रही है, अच्छा इसमें 3x है, क्वालिटी लूज नहीं हो रही यार, अच्छा लगा ये 3x। एक अपनी खुद की भी ले लेते भाई, ये देखो भाई इमेज काफी शार्प है, कलर्स भी बढ़िया दे देता है ये देखो, और ये देखो 3x में क्या बात है, क्वालिटी लूज नहीं करता, ये चीज मुझे अच्छी लगी भाई। और ये हमने जो एक अपनी ली थी वो भाई, और ये जो हमने एक अपनी ली थी भाई, ये देखो क्या जो स्किन टोन मिल रहा भाई वो काबिले तारीफ है, आई लाइक द स्किन टोन। और एक ये देखो भाई इसमें, ये देखो भाई क्या बात है, फोटो अच्छे है भाई, डिटेल्स भी मोर देन इनफ है। एक सेल्फी भी लेके देखते हैं, ओ भाई क्या बात है यार, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी, आई लाइक इट यार। तो ये देखो अगर आप जूम करते हो हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, और सॉफ्टनेस की वजह से जो सेल्फी है भाई वो बढ़िया लगती है, ऐसा लगता नहीं कि भाई ये 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे बेटर हो सकता है, ये देखो आपको डिटेल्स की थोड़ी सी कमी मिल जाएगी, टोटल सेल्फी बढ़िया यार 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। इसके अलावा कुछ और फोटोज लिए मैंने इंडोर आउटडोर डेलाइट कंडीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटोज निकल के आते हैं। अगर मैं एक 10,000 रुपए प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा सैंपल्स को अगर मैं जज करूँ तो मैं बोलूंगा भाई फोटोज बढ़िया निकल के आते हैं, स्पेशली जो पोर्ट्रेट फोटोज है उसमें जो स्किन टोन्स है वो अच्छे निकल के आते हैं, टोन्स बढ़िया आते हैं। सेल्फीज 8 मेगापिक्सल की है, इतनी खास आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी, सेल्फीज को ये हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, बजट फोन है, बजट के हिसाब से जो फोटोज निकल के आते हैं इतना कहूंगा अच्छे निकल के आते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो Realme ने इसमें यूनिसॉक का चिपसेट यूज किया है, यूनिसॉक का T612, ये प्रोसेसर अंडर 10K के हिसाब से एक बढ़िया प्रोसेसर कहूंगा। इसमें एंड्रॉइड 2 रन करके देखा, इसका एंड्रॉइड 2 स्कोर 223,000 प्लस निकल के आया है,
और ये स्कोर अच्छा है मल्टीटास्किंग के लिए, डे टू डे लाइफ यूज के लिए। इस प्रोसेसर का थ्रॉटल भी करके देखा, एकदम ग्रीन ग्रीन परफॉर्मेंस है। एंड सीपीयू परसेंटेज भी भाई 92% है। बेंचमार्क टेस्टिंग से देखने में तो प्रोसेसर बढ़िया लग रहा है, लेकिन असली परफॉर्मेंस तो दो बेरो गेमिंग करके दोस्तों, वो जो लाइक बटन है तबाह दो। एक बार ग्राफिक्स के चेक करते हैं, ये ग्राफिक्स पे होंगे, स्मूथ है, बैलेंस है, एचडी है, क्या बात है, एचडी में मिल गया। ओह क्या बात है, एचडी हाई सेटिंग्स है, स्मूथ पे आप ओ अल्ट्रा ऑप्शन भी है, क्या बात है। यार बजट प्राइस पॉइंट पे आपको स्मूथ पे अल्ट्रा सेटिंग्स मिल रही है। ओए पीरो मनो सरु, ओ मेरा फेवरेट गन इज AKM हियर, उठा लो जल्दी, ये मिल गया, मैं आग लगा देगा, मारो। अरे हम किसकी टीम में, अभी तक तो जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बढ़िया मिल रहा है यार, मतलब ऐसे कोई लैग वैग नोटिस नहीं हुआ अभी तक मुझे। फ्रेम ड्रॉप है वो नोटिस होते हैं, एकदम स्मूथ गेम प्ले अगर आप करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है इसमें, हल्का सा स्लाइटली यहाँ पे वार्म फील हो रहा है मुझे, बट ओवरऑल देखो गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया यार। ओए ये देखो कोई लैग नहीं हो नोटिस हुआ बिल्कुल भी, देखो एकदम से पास जाके भी क्लच करते हैं, तो ऐसे कोई आपको लैग वैग नहीं मिलेगा, बट हाँ फ्रेम ड्रॉप आपको नोटिस होंगे जब आप गेम खेलोगे। देखो भाई भाई का गेम प्ले देखो, देखो सबको भून देगा रे, देखो देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीटास्किंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। ओके मल्टीटास्किंग इसमें डिसेंट आपको मिल जाता है, और जो स्टोरेज टाइप है वो EMMC 5.1 है। दो स्टोरेज वेरिएंट है इसमें आपको, 4GB 128GB और 6GB 64GB। बेस वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 999 है। बाकी इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18V का चार्जर है इसमें। एक बार UI चेक कर लेते हैं, हम सेटिंग्स पे गए, रियलमी UI T एडिशन मिल जाता है, और ये बेस है भाई Android 13 पे। ओके मैं अगर मैं ब्लॉडवेयर वगैरह चेक करता हूँ तो आपको ब्लॉडवेयर मिल जाता है, जैसे ये हॉट फ्री गेम्स हो गए तो यस ये अनइंस्टॉल हो जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये फोन 4G है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, और इसमें आपको मिनी कैप्सूल भी मिलता है। सो ये था एक कंप्लीट रियलमी C53, एक बजट स्मार्टफोन अंडर 10,000 rupees फ्रॉम रियलमी। इस फोन को मैंने जितना भी टेस्ट किया, एक बजट के हिसाब से अगर मैं देखूं जो इसकी प्राइस है 999, एक्चुअल में अगर फोन को देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी इसमें काफी कुछ रियलमी ने देने की कोशिश की है, जैसे कि भाई 108 megapixel कैमरा, इसका जो डिजाइन, इसका जो लुक है, एक अलग ही आपको ये लुक देता है, वो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी ने थोड़ा सा हटके दिया है। इस प्राइस पॉइंट में जो परफॉर्मेंस दे रहा है रियलमी वो अच्छी लगी मुझे। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ भाई, डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है, हालांकि 720p है, स्टिल जो 720p की क्वालिटी है वो अच्छी है, 90Hz दे रखा है। अगर मुझे एक लाइन में बताना हो, अगर आपका बजट अंडर 10K में है, 10,000 के आसपास आपका बजट है, आप अपने मॉम और डैड के लिए फोन देख रहे हो, उन लोगों के लिए भाई ये फोन डेफिनेटली एक बढ़िया फोन साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको ये फोन कैसा लगा, वीडियो फैला दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।